हरे कृष्णा। आजकल के आधुनिक दौर में अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे पुराणों तथा अन्य वैदिक साहित्य की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाए जाते हैं। बहुत सारे इतिहासकार और पुरातत्व वैज्ञानिक भी हमारे वेदों की रचना के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। हमारे वेदों और शास्त्रों को तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जा चुका है, जो कि समय के प्रभाव से नष्ट हो चुकी थी। क्योंकि कलयुग के लोग अत्यंत मंदबुद्धि हैं, इसलिए हमारे ज्ञान वर्धन के लिए शौनक ऋषि ने श्रील सूत गोस्वामी जी से वेदों की रचना के बारे में आज से 5000 वर्ष पूर्व ही जिज्ञासा की थी। तो चलिए अब हम भी ये श्रवण करते हैं कि आखिर हमारे वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई। जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तो एक दिव्य ध्वनि का सूक्ष्म नाद ब्रह्मा जी के हृदय में उत्पन्न हुआ। ये नाद ऐसा था कि इसका अनुभव केवल बाह्य श्रवण क्रिया को पूर्णतः बंद करने पर ही हो सकता था। ये और कुछ नहीं बल्कि वेदों का ही सूक्ष्म रूप था। महान ऋषि अपने हृदय को समस्त कलमशों से दूर रखने के लिए इसकी पूजा करते हैं। इसके पश्चात इस सूक्ष्म नाद से ओमकार प्रकट हुआ, जो कि तीन ध्वनियों अ, उ और म का मिश्रण है। जब हृदय शुद्ध होता है तो ओमकार की सूक्ष्म शक्तियाँ उसमें स्वतः प्रकट हो जाती है। ये ओमकार भगवान परमात्मा और निराकार ब्रह्म के तीन रूपों में परम सत्य को प्रकट करता है। जब आत्मा ओमकार की दिव्य ध्वनि को उत्पन्न करती है तो हृदय में स्थित परमात्मा इस उच्चारण को सुनते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान का विस्तार भी ओमकार से होता है। सभी अन्य ध्वनियों की उत्पत्ति भी ओमकार से ही संभव है। इन ध्वनियों की सहायता से ही ब्रह्मा जी अपने चार मुखों से चार वेदों को प्रकट करते हैं। इसके पश्चात ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के पुत्रों तथा उनके शिष्यों के माध्यम से ब्रह्मांड में फैलने लगता है। सर्वप्रथम एक ही वेद था और ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से इस लोक में आया, परंतु द्वापर युग के अंत में ऋषिगण इस एक वेद का विभाजन करते हैं ताकि कलयुग के लोग सरलता से इन्हें समझ सके। वर्तमान काल वैवस्वत मनु के अधीन है। इस काल में श्री वेद व्यास जी प्रकट हुए, जो कि ऋषि पराशर तथा सत्यवती के पुत्र थे। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे वेद व्यास जी को वेदों के विभाजन का कार्यभार सौंपे। अतः उन्होंने चार वेदों की रचना की। उन्होंने अपने चार प्रमुख शिष्यों को इन चार वेदों का ज्ञान दिया। ऋग्वेद का ज्ञान पैल को, यजुर्वेद का ज्ञान वैशंपायन को, सामवेद का ज्ञान जैमिनी को और अथर्ववेद का ज्ञान सुमंतु को प्रदान किया गया। इन चार शिष्यों ने चार वेदों का पुनः विभाजन किया और अपने शिष्यों के द्वारा इस ज्ञान का प्रसार किया। एक समय की बात है, ऋषि वैशंपायन ब्रह्म हत्या के अपराध से पीड़ित हो गए थे। उनके शिष्यों ने सोचा कि क्यों ना अपने गुरु को इस अपराध से मुक्त करने के लिए कठोर व्रत का पालन किया जाए। सर्वसहमति से सभी शिष्यों ने अपने गुरु की सेवा में कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। परंतु उनके एक शिष्य याज्ञवल्क्य ने उन शिष्यों का उपहास करते हुए कहा, हे गुरुवर, ये शिष्य कितने दुर्बल हैं, इनका ये नन्हा प्रयास भला किस काम का। ये अपने प्रयास से आपको ब्रह्म हत्या के अपराध से मुक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन चिंता ना करें, मैं एक विशेष तप करके आपको इस अपराध से बचा लूंगा। बस फिर क्या था, अपने शिष्यों का ऐसा अपमान सुनकर ऋषि वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य से कहा कि उसने ब्राह्मणों का घोर अपमान किया है, इसलिए उन्होंने जो भी ज्ञान उसे प्रदान किया है वह उसे लौटा दे। अपने गुरु की बात मानते हुए याज्ञवल्क्य ने उल्टी करते हुए यजुर्वेद के सभी मंत्रों को अपने मुख से उगल दिया। तत्पश्चात वे वहां से चले गए। यजुर्वेद के उन मंत्रों को बिखरा हुआ देखकर अन्य शिष्यों के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उन सब ने पक्षियों का रूप धारण कर लिया और उन मंत्रों को चूक लिया। यजुर्वेद के कुछ ऐसे गुह्य मंत्र भी थे जिनका ज्ञान ऋषि वैशंपायन ने अपने शिष्यों को प्रदान नहीं किया था। याज्ञवल्क्य के मन में भी इन मंत्रों को ग्रहण करने की अभिलाषा उठी, लेकिन वे अपने गुरु द्वारा त्यागे जा चुके थे, इसलिए अब वे इन मंत्रों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सूर्य देव के माध्यम से भगवान नारायण की उपासना करने लगे। सूर्य देव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक घोड़े का रूप धारण किया और अपने अयालों से याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद के अनेक मंत्र सिखाए। ये ऐसे मंत्र थे जिनके ज्ञान मनुष्य समाज में किसी को नहीं था। इन मंत्रों की सहायता से याज्ञवल्क्य ने वैदिक साहित्य की 15 नवीन शाखाएं आरंभ की, जिसे कुछ परंपराओं ने स्वीकार भी कर लिया। इसके पश्चात पुराणों की 6 संहिताओं की रचना हुई, जिनके 6 आचार्य हुए, त्रयारुणी, सावर्णी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हरित।
उन्होंने ये ज्ञान रोम हर्षण से प्राप्त किया, जो कि वेद व्यास के शिष्य थे और श्रील सुत गोस्वामी के पिता थे। आगे चलकर सुत गोस्वामी इन सभी छहों आचार्य से पुराणों के ज्ञान का अध्ययन करते हैं। पुराणों में जिन 10 विषयों का वर्णन किया जाता है वे इस प्रकार है: ब्रह्मांड की सृष्टि और उसके पश्चात विभिन्न प्राणियों तथा लोकों की सृष्टि, प्राणियों का पालन पोषण, उनका रक्षण, मनुओं का शासन, महान राजाओं के वंश और उनके कार्यकलाप, प्रलय, जीवात्माओं का इस भौतिक जगत में बंधन का कारण और परमाश्रय। जो पुराण इन सभी 10 विषयों पर चर्चा करते हैं उन्हें प्रमुख पुराण कहते हैं, जो कि 18 है और उनके नाम है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण और वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। जो पुराण केवल 5 ही विषयों पर चर्चा करते हैं उन्हें गौण पुराण कहते हैं। चलिए अब हम श्रवण करते हैं फिर 10 विषयों के बारे में। जब प्रकृति के गुणों में अव्यक्त का मिश्रण होता है तो उससे महत तत्व उत्पन्न होता है और सृष्टि आरंभ हो जाती है। इसे सर्ग कहते हैं। जब इसमें जीव की भौतिक इच्छाएं मिश्रित होती है तब गौण सृष्टि होती है और विभिन्न स्वरूपों में प्राणी जन्म लेते हैं। इसे विसर्ग कहते हैं। जब चेतन प्राणी जड़ प्राणियों पर निर्वाह करते हैं तो इस विधि को पोषण अथवा वृत्ति कहते हैं। श्री भगवान विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संस्कृति के शत्रुओं का नाश करते हुए जीव की रक्षा करते हैं। प्रत्येक मन्वंतर में भगवान हरि अपना विस्तार करके उस मन्वंतर के शासक मनु, देवतागण, मनुपुत्र, इंद्र, महर्षिगण, अंशावतारों के रूप में प्रकट होते हैं। राजवंशों की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से होती है और वे तीनों कालों में फैल जाते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी का एक दिन अथवा जीवन काल समाप्त होने पर प्रलय आती है। भगवान ने सृष्टि का निर्माण जीव की भोग इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किया है। परब्रह्म ही परम आश्रय है। जिस प्रकार मिट्टी से बनी किसी भी वस्तु का अस्तित्व मिट्टी से ही है, उसी प्रकार विभिन्न शरीरों में एक ही परम सत्य उपस्थित रहता है और वही सब वस्तुओं का स्रोत है। हमें आशा है कि आज का ये वीडियो देखकर वेदों की उत्पत्ति के बारे में आपके सभी संशय दूर हो गए होंगे। सनातन धर्म की ऐसे ही प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपसे मिलेंगे इसी श्रीमद् भागवतम की एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।